सो हे गाइस, आज हम एक ऐसी जर्नी पर जाने वाले हैं जो आपको लेकर जाएगी सीधा 2023 से 2071 में। आज आपकी इमेजिनेशन को लगने वाले हैं पर जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो मैं बात कर रही हूँ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बारे में। आ जा रहे हैं हम फ्यूचर म्यूजियम और अभी हमें क्या करना है? सो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। ऑफ कोर्स यू नीड टिकट फॉर दैट। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और एडवांस बुकिंग चलती रहती है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सोचेंगे कि आप यहाँ जाएंगे और आपको टिकट मिल जाएगी। तो कोशिश करना कि अपने ट्रिप से पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें यहाँ की। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपके साथ बच्चे हैं जो कि 4 साल से छोटे हैं तो उनकी कोई भी टिकट नहीं है, प्री बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जा सकते हैं, कस्टमर डेस्क से जाकर डायरेक्ट उनकी ऑन अराइवल टिकट ले सकते हैं। और अगर आप जनरल टिकट लेते हैं तो आपको नॉर्मल एंट्री मिलेगी, लाइन में लगना पड़ेगा। बट आप चाहते हैं कि हम किसी भी दिन जा सकें, किसी भी टाइम जा सकें, बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है इस चीज़ में, तो आप प्रेफर करेंगे पायनियर टिकट। ऑफ कोर्स दोनों टिकट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो 149 धीरम की पड़ती है तो पायनियर टिकट 399 धीरम की पड़ती है। लेकिन अगर आपका अच्छा बजट है और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांटेज मिलते हैं। आप किसी भी टाइम पे जाएंगे, आपको प्रायरिटी एंट्री मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्किंग मिलेगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या मिला है दिखाओ? स्टिकर्स, वाओ। किसने डांटा चेरी? किसने मारा? किसने मारा पहले हमें मारेंगे, फिर इतने सारे लोगों को, फिर कितने सारे लोगों को बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। हाँ बुआ बोलो, बंद कर दिया। पापा बोल रहे हैं अभी सबको मारने वाले हैं। बैठ जाओ, लंगर आ रहे, बैठ जाओ। I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light sound. So, have you ever imagined being in a spaceship? मैंने बहुत बार सोचा, मेरा बहुत बार सपना था, बट मुझे पता है कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता ज़िंदगी में। बट यहाँ आकर मेरा ये सपना पूरा हो गया, तो यहाँ से शुरू हुई हमारी जर्नी, अ जर्नी टू अ स्पेस स्टेशन 600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गेज आउट द विंडो एंड विटनेस हाउ द मून कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द एंटायर प्लैनेट। सीरियसली ड्रीम कम ट्रू। मतलब बाहर आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप स्पेस के अंदर हैं। अब आता है हमारा स्पेस स्टेशन जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं पायनियर्स की कम्युनिटी के बारे में, कैसे वो यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। अगर आपका सपना है एस्ट्रोनॉट बनने का, या फिर आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा है कि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर वो लोग कैसे मिशंस को पूरा करते हैं, कैसे इन्वेंट करते हैं, कैसे उन्हें डिस्कवर किया जाता है, तो फिर ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बनने वाली है। यू मस्ट कम हियर, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख पाएंगे। और
म्यूजियम ऑफ फ्यूचर ओपन रहता है 10 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक, और मोस्टली हर टाइम पे सेम ही भीड़ मिलेगी आपको। और आप कोशिश करना कि अपना और अपने बच्चों का आईडी अपने साथ रख के, बिकॉज कभी भी कस्टमर सर्विस आपसे एज अ प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी वो आपसे मांग सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं आगे स्पेसशिप में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत फास्ट पर जाने वाली है और ये बहुत डर रही है। नहीं डर रही मैम, बहुत फास्ट जाएगी, कोई बात नहीं। स्पेसशिप में तो बहुत फास्ट में जाएगी। हाँ, और ये बहुत टाइट है ना, और बच्चे चेहरे को पकड़ दे, लेट इसको पकड़ना चाहिए, इसको मैं पकड़ रहा हूं, ये दूर कर ले, ये दूर कर ले, या पकड़ ले इसको स्पेस में। डिजिटल अमेजोन, यहाँ पर आप अपने आप को इमर्स कर सकते हैं ना, मिक्स्ड रियलिटी रिक्रिएशन ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। You will see the interplay of hundreds of species and observe details invisible to the naked eye. Seriously, अगर आपको nature से प्यार है तो इस जगह को आप बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते, आपको इस जगह से भी प्यार होने वाला है। अब आते हैं हम अपनी DNA library में। You should visit this DNA library of thousands of species, where you can explore, collect and contribute to the wonders of nature. अब मैं अपने मन की एक बात बता दूँ, यहाँ पर आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, बट ये DNA लाइब्रेरी देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब हम थोड़ा डिजिटल लाइफ से हट जाते हैं। नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू अ सेंचुरी फ्रॉम डिजिटल लाइफ। यू विल एक्सप्लोर अ सेंटर फॉर द ह्यूमन सेंसेस, वेयर यू आर एनकरेज टू डिसकनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड रिकनेक्ट टू योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। अगर आप अपनी सोल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आप किस तरह से अपनी सोल से, अपनी बॉडी से या फिर अपने माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है हमारा मेडिटेशन सेंटर। यू विल एक्सपीरियंस द रिस्टोरेटिव इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट, मेडिटेशन एंड वाटर। सो यहाँ पर आप अपने आप को इमर्स कर सकते हैं वाइब्रेशंस में दैट रिबैलेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड रिस्टोर योर नेचुरल रिदम्स। ये एक ऐसी जगह है पूरे म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में जहाँ पर आकर आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है, आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। तो आप जब भी आए तो थोड़ा सा टाइम इस जगह के लिए भी निकालें। सो अगर हम म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर 3 फ्लोर्स हैं जो कि बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंसेस को डेडिकेट किए गए हैं। तीनों फ्लोर्स पर आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करूँ तो ये फोकस करता है पॉसिबल फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस रिसोर्स डेवलपमेंट को। अगर मैं दूसरे फ्लोर की बात करूँ तो ये शोकेस करता है नियर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को।
और अगर मैं थर्ड फ्लोर की बात करूँ तो स्पेशली बच्चों को ही डेडिकेट किया गया है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस फ्लोर को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज यहाँ पर बच्चे खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, सॉल्व करते हैं चैलेंजेस को अपने ही अंदाज में। सो तीनों ही फ्लोर बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो यहाँ पर एक बार तो ज़रूर जाना और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब हम चलते हैं एक और ऐसी जगह जो कि बिल्कुल ही ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए। तो कभी भी पैकेज में मत जाना, बिकॉज पैकेज वाले हमेशा भगवाते हैं। सुबह हमें पूरी ट्रिप भागते हुए, वैसे 1:30 बजे करो, 1:30 बजे करो, क्यों लेट करवाते हो, भागो भागो भागो। तो हम भागते भागते पहुंच चुके हैं मिरेकल गार्डन। लेट्स सी यहाँ पे क्या, नहीं पहुंचे हम गाड़ी से आए हैं, लेकिन वहाँ तो भाग ही रहे थे ना, लेट हो रहे थे, इसलिए हम हर जगह लेट आए क्योंकि हमने पैकेज कराया, इसलिए हमें ये बोला गया था कि ये 4:30 तक बंद हो जाएगा। हाँ, झूठ बोला जाता है हमसे, झूठ बोला जाता है। तो लेट्स सी यहाँ क्या मिरेकल होने वाला है। सो सच बताना, आप लोगों में से कितने लोगों ने बचपन में सोनपरी ही देखा है, या फिर ऐसा कोई सीरियल देखा है जिसे देखते ही मन में आया हो कि यार हमें भी ऐसी जगह जाना है, लाइक परियों का शहर। इतना सुंदर, इतना सुंदर कि मन करे कि वहीं पर जाकर बस जाओ। सच बताऊं तो मुझे तो बचपन में बहुत मन होता था जब मैं ऐसा कोई सीरियल देखती थी कि ऐसा भी कोई शहर या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहां पर मैं जा पाऊं और जहां पर जाकर मुझे फील हो कि मैं किसी रानियों के महल में या फिर परियों के महल में आ गई हूँ। तो जब से मैंने इस जगह की फ़ोटोज़ देखी थी तो मेरा बहुत अंदर से, मतलब कहते हैं ना अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है, तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो फोटोज़ देख के मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं जल्दी से इस जगह पर पहुंच जाऊं। तो फाइनली हम आ गए थे मिरेकल गार्डन ऑफ दुबई। तो देखते हैं कि यहाँ पर मेरे अंदर से कितना बचपना बाहर निकल पाता है या फिर मेरे बचपन का कितना सपना पूरा हो पाता है। लेट्स सी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी टिकट की। ऑफ कोर्स टिकट बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ। सो ये रहती है हमारी 95 दिरहम फॉर एडल्ट। अगर आपके बच्चे 3 साल से छोटे हैं तो उनकी कोई टिकट नहीं है। 3 से 11 साल के बच्चों की 80 दिरहम टिकट रहती है और ये खुला रहता है 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हैं तो 10 बजे तक भी खुला रहता है। अब हम बात करते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फूल, जी हाँ, बहुत सारे फूल, फूल ही फूल और फूलों की खुशबू। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डेजीज, मैरीगोल्स, यहाँ तक कि ट्यूलिप भी देखने को मिलेगा। क्या दिख गई? डॉल दिख गई। इतनी देर से हम ढूंढ रहे हैं, हमें डॉल अब जाके दिखी है। इतना बड़ा है ये और हर तरफ हरियाली, कलरफुल, और इसके पैर में भी दर्द हो गया।
मैं सच में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा. मतलब मुझे पहले ऐसा लगा कि मुझे हर्ट टनल सबसे अच्छी लगी, बिकॉज वहाँ पर जाइंट हर्ट शेप्ड फ्लोरल आर्च बने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, स्पेशली फॉर प्री वेडिंग फोटोशूट्स. ऑफकोर्स उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा. यहाँ पर इतनी अच्छी फोटोज आई हमारी और ये जगह इतनी सुंदर लग रही थी. बट उसके बाद जब मैंने स्मर्फ्स विलेज देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये जगह बहुत सुंदर है, बिकॉज मुझे यहाँ पर आकर अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आ गया. फिर मुझे लगा कि नहीं, फ्लोरल कैसल बहुत ज़्यादा सुंदर है. मुझे लगा कि मैं यहाँ की रानी हूँ और ये कैसल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. फिर मुझे लगा नहीं, फ्लोटिंग लेडी बहुत ज़्यादा सुंदर है. सो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पाई कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटीफुल. अंदर कैसे पहुंच गई तुम? अच्छा है यहाँ पे, पूरा दिन भी कम है, इतना बड़ा है, इतना सुंदर है. मुझे तो बहुत सुंदर लगा, तुझे कैसे लगा? बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा है. बहुत चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं. अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और ऑलरेडी लेट है. फिर से